अगर आपको सच में लंबे घने मोटे बाल चाहिए तो इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको 15 दिन के अंदर विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। इससे हेयर ग्रोथ भी होगी, हेयर रीग्रोथ भी होगी, आपके डैंड्रफ पर भी काम करेगा, आपके हेयर लॉस पर भी काम करेगा। आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेजी से होने लगेगी कि आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ये बहुत ही आसान है, इस रेमेडी को बनाना ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और इसे आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार लगाना है। मैं एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगी किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, विजिबल रिजल्ट आपको किस तरह से दिखाई देगा वो मैं आपको आगे स्टेप्स में बताऊंगी। इसे चलिए हम इसे तैयार कर देंगे, किस तरह से बनाना है और इसके बेनिफिट में मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये जो मास्क है वो आपके लिए किस तरह से आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जो भी हम इसमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने वाले ना, ये कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए कमाल करेगा। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको विजिबल रिजल्ट 100% दिखेगा। इसमें हमने सबसे पहले लिया है 3 से 4 आंवला। आंवला आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें लिया है 3 से 4 अनियन, छोटा अनियन लिया है, जो सैलेड हम लोग जो सांभर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला अनियन लिया है। आप चाहें तो बड़ा अनियन भी ले सकते हैं, लेकिन वो रेड अनियन हो, क्योंकि रेड अनियन में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम छिलके के साथ लेंगे, छिलके में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके बालों के लिए चाहिए होते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद में इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि हम इसका जूस निकाल सकें। इसी जूस से हम इसको इस मास्क को प्रिपेयर करेंगे। ये जो जूस है ना, ये आपके स्कैल्प में बहुत ही जल्दी से वर्क करके दिखाएगा, आपकी हेयर रीग्रोथ पर काम करेगा, आपके जो बाल टचेस हो जाते हैं हेयर फॉल होते होते, जो हेयर थिनिंग होने लगती है बालों में, उसको क्योर करेगा, आपके डैंड्रफ को भी क्योर करेगा, क्योंकि इसमें जो हमने आंवला इस्तेमाल किया है वो आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। आप इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए कपड़े की हेल्प से या छलनी की हेल्प से, आराम से इसे स्ट्रेन कर लीजिए। स्टेप में आपको क्या करना है, मोरिंगा पाउडर लेना है। गाइज, मैंने मोरिंगा पाउडर में एक सेपरेट सीरीज बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने शैम्पू, ऑयल और आपको किस तरह से इसको कंज्यूम करना है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आप चाहें तो आपसे देख सकते हैं जाके। इसमें आपको 2 से 2 चम्मच के आसपास मोरिंगा पाउडर लेना है। ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, बहुत सारा भर भर के प्रोटीन होता है इसमें, तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमें इसमें लेना है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर तो आपके बालों के लिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ना हमारा मास्क का, ये बहुत ही अमेजिंग है। त्रिफला पाउडर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके रूट्स पे काम करता है, आपके रूट को इंकरेज करता है हेयर ग्रोथ के लिए, आपके स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। और हम इस मास्क को उसी पानी में प्रिपेयर करेंगे जो हमने पानी रेडी किया। ये जो त्रिफला पाउडर हमने इस्तेमाल किया है, त्रिफला पाउडर आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करता है, आपके बालों को काला भी बनाता है, क्योंकि ये त्रिफला 3 हर्ब से मिलकर बना है, आंवला, भेड़ा और हरड़। ये जो 3 चीजें वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें विटामिन सी, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, आपको हेयर ग्रोथ देता है, आपके रूट्स को इंकरेज करता है ग्रोथ करने के लिए, आपके लेंथ को स्ट्रेंथन देता है ताकि वो हेयर ब्रेकेज, जो बीच में से बाल टूटने लगते हैं, वो नहीं टूटते। और आपके स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करता है, पीएच लेवल को स्टोर करता है ताकि आपकी जो हेयर स्कैल्प है वो अच्छे से नरिश रहे। आपके डैंड्रफ को भी क्योर करने लगता है, आपके हेयर लॉस को भी रोकता है, बालों को शाइनियर, स्मूदर और सॉफ्टन बनाता है। तो ये हमारा मास्क हमारा वो रेडी हो चुका है। अब इसे एप्लीकेशन कैसे करना है, आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑयली हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ दो बार लगाना है, लेकिन इसे आप स्टोर नहीं कर सकते। जिस टाइम आपने बनाया है उसी इमीडिएट आपको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने जो इसमें अनियन इस्तेमाल किया ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। इसलिए आपको जब लगाना है तभी इसको बनाएं, और इसको आप ऑयली हेयर पर लगाइए या फिर नॉर्मल वॉश हेयर पर लगाइए, कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू से ही हेयर वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें अनियन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में मैंने एक स्टेप इसमें एक और क्या है, ये जो माइक्रो नीडलिंग मैंने इसमें ऐड किया, ये आपके हेयर रीग्रोथ पे काम करती है, आपके स्कैल्प में छोटे छोटे छिद्र बना देती है। हालांकि मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऊपर आई बटन में दिया है। आप उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये माइक्रो नीडलिंग करने से क्या फायदा होता है, इस डर्मा रोलिंग से आपके स्कैल्प में क्या फायदा होता है इसको करने से। तो इसमें मैंने थोड़ा सी एक झलक दिखाई है ताकि आप इसको इस प्रोसेस को कर सकें। इसको इसी तरह से करना है आपके स्कैल्प पर जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में आप इस हेयर मास्क को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी हेयर रीग्रोथ पे बहुत जल्दी काम करने लगता है। आपके जो बाल पैचेस हो जाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी वर्क करता है। आपने इस माइक्रो नीडलिंग करने के बाद में अगर इस हेयर मास्क का अप्लाई करते हैं तो ये जो हेयर मास्क है ना, वो 4 गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है, बहुत ही जल्दी आपको बेनिफिट देने लगेगा, क्योंकि आपको हेयर ग्रोथ भी चाहिए, आप हेयर लॉस भी रोकना है और आपका डैंड्रफ भी क्योर हो, ऐसा हेयर मास्क, ये हेयर मास्क आपकी ओवरऑल हेयर प्रॉब्लम्स पर वर्क करने वाला है। तो ये हेयर मास्क आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना, अगर आप एक बार करेंगे तो आपको एक बार में ही रिजल्ट दिखेगा। अपना एक्सपीरियंस और रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।